और हमारी आज की कैप्टन है निशा, फूडी निशा। फूडी निशा और मैं आप लोगों को आज लेके जाने वाली हूँ फूडी फ्लाइट पर। तो क्या आप लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं कैप्टन निशा के साथ? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये इनकी एंट्री और यहीं से आपको जाने के बाद ये देख रहे हैं आप सामने एयरबस खड़ा हुआ है, खड़ी हुई है। और यहाँ पे अब आज हमारा जो है लंच है। और देखिए इतना बड़ा ये प्लेन है, एक्चुअली एयरबस है। और मैं आपको दिखाने चाहूँगा कि कॉकपिट से निकलते हैं ये पीछे जो है ना एरिया, ये सारा का सारा ये सिटिंग एरिया जो एक एयरबस पूरी फ्लाइट को जो है कस्टमाइज करके डाइन इन एरिया में कन्वर्ट किया गया है। और काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी स्पेशल है। और आप पीछे देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो है फूड वगैरह सर्व किया जा रहा है, काफ़ी सारे जो है पैसेंजर्स हैं जो फूड को इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ का जो है एम्बियंस ये देखिए कितना अच्छा जो है कटलरी वगैरह जो है सेट किया हुआ है। और पूरा जो है ये फ्लाइट का एम्बियंस है जो आपको अगर फील कर रहे हैं तो आपको यहीं रनवे वन में आना होगा। और देखिए काफ़ी हाइजीन सैनिटेशन का ख्याल रखा गया है हर चीज़ का। और ये फ्लाइट जो है ये फूड फ्लाइट है। तो आप मेरे साथ हैं राहुल पूरी, राहुल के साथ कैप्टन पूरी निशा। कैप्टन पूरी निशा, तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ फूड फ्लाइट पे, लेट्स गो। तो हम आ गए हैं रनवे वन में और यहाँ पे हम अपनी फ्लाइट पे हैं फूड फ्लाइट पे। और यहाँ पे जो ना हमारे लिए देखिए कितना यूनिक था प्लेन की वाला। और यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। और सारी की सारी जो डिशेज हैं काफ़ी यूनिक वे में जो है यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। और हम लोग यहाँ का मेन्यू देख चुके हैं और मेन्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में। और हम लोग अपना ऑर्डर दे चुके हैं। आप ऑर्डर आने में 20 मिनट्स यहाँ पर इन्होंने बोला है जो वेटेस्ट टाइम है 20 मिनट्स तब शिफ्ट कर लेते हैं। मुझे यहाँ का जो फील है ना, यहाँ का जो एम्बियंस है वो काफ़ी एक यूनिक सा हटके लग रहा है क्योंकि जो है यहाँ पे ना एक एरोप्लेन में जो है ना एयरबस में जो है पूरा कस्टमाइज करके एक रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ना और भी काफी अभी नए नए खुलने वाले हैं, बट दिल्ली में ये पहला था। दिल्ली में पहला रनवे है, रनवे वन। रही बात यहाँ के फूड वूड की, तो मैं अभी टेस्ट करने के बाद आपको पक्का बताऊंगा यहाँ सर्विस के बारे में, स्टाइल भी हमें तभी पता चलेगा। हाँ, जो यहाँ का प्रेजेंटेशन स्टाइल है फूड का, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो अभी हम वेट कर रहे हैं अपने फूड का। वैसे हमने ऑर्डर क्या क्या किया है राहुल? अभी मैंने ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज है, ये नहीं बता। ये है फ्रेंड्स हमारा चाइनीज प्लेटर और ये हमको इसके साथ दी गई है ग्रीन चटनी विथ टमाटो केचप। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इस ब्रेड शेप प्लेटर पर चाइनीज सॉसेस सर्व की गई हैं। ये है फ्रेंड्स हमारा वेज तंदूरी प्लेटर। और मैं तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, ये है दही के छोले। छोले मूवी तो देखी होगी, ये वही है। और मैं जो है इसको ट्राई करने वाला हूँ ग्रीन चिली के साथ। मैं इसको ट्राई करूंगी टमाटो केचप के साथ। और ये जो है हमारा जो है ये वेज तंदूरी प्लेटर।
ये वेज तंदूरी प्लेटर है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, जैसे कि ये आपके मशरूम्स हैं, यहाँ पे जो है आपका तंदूरी चाप है, ये इसका सैलेड है और ये यहाँ पे पनीर टिक्का। और ये देखिए प्रेजेंटेशन स्टाइल कितना अच्छा है, ये सॉस है एक्चुअली जो ये सॉस है, मतलब ये येलो वाली भी सॉस है। हाँ, तो इसको जो है इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि काफ़ी प्लेटर भी देखने में कलरफुल लग रहा है, काफ़ी जो है कलरफुल लग रहा है प्लेटर। और ये है दही के छोले और ये बाहर से काफी क्रंची है और अंदर से काफी गोई है और खाने में टेस्टी लग रहे हैं। और मैं बेसिकली सॉल्टेड ज्यादा आ रहा है, स्पाइसी नहीं है। हाँ, स्पाइसी नहीं है, सॉल्टी है, सटल फ्लेवर है, हल्का सा सॉल्टी है। और ये जो ये पिंक पिंक जो ये सॉस यहाँ पे एज ए प्रेजेंटेशन में ये यहाँ पे दी गई है, ये थोड़ी सी जो है स्पाइसी है, हल्की सी स्पाइसी, बहुत हल्की सी। और ये कैश्यू नट्स की सॉस जैसा लग रहा है, कैश्यूज इसमें जो है यूज किए गए और काफी टेस्टी है, काफी अच्छे। मैंने और जगह भी दही के छोले खाए हैं, जो मैंने काफी जगह ट्राई किए हैं, लेकिन उनका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में अच्छा लग रहा है, काफी फ्लेवरफुल है, काफी टेस्टी। तो फ्रेंड्स इतना सब कुछ है ना प्लेटर में, तो ये जो ये होता है ना ये सब नहीं इस्तेमाल किए जाते, उसके लिए देसी हाथ इस्तेमाल किए जाते हैं और बड़े तरीके से। और ये है हमारे तंदूरी चाप। और काफी जो है राहुल की जुबान काफी स्लिपरी हो रही है। काफी फीकी सी है, कोई टेस्ट नहीं है। मेरे को लगता है इसके लिए ना हमारे पास जो सॉस दी गई है कैश्यूज की, इसको जो है यूज करना चाहिए। और जो ओनली दही में मैरिनेट करके दी गई है, इसमें स्पाइस भी नहीं है, सॉल्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, काफी जो है फीका फीका है। मुझे लगता है इसको ग्रीन चटनी के साथ ट्राई करना चाहिए। तो ये तंदूरी मशरूम, हाँ तंदूरी मशरूम निशा की फेवरेट, और आई लव मशरूम। ये मैं ग्रीन चिली के साथ जो है ट्राई करने वाला हूँ। मैं भी ग्रीन चिली के साथ। इसका जो फ्लेवर है ना थोड़ा सा लेमनी फ्लेवर है, और काफी जो है ना अचारी फ्लेवर लग रहा है मेरे को, थोड़े टाइम बाद अचारी फ्लेवर ही लग रहा है। इसके ऊपर जो ये मैरिनेट किया गया ना, ये जो मैरिनेशन इसके ऊपर किया गया है, ये शायद अचारी कुछ है, अचार जैसा फ्लेवर है। और ये यही इसके टेस्ट को इनहेंस कर रहा है। हाँ, ये काफी इनहेंस कर रहा है इसके टेस्ट को और मजा आ रहा है खाने के बाद। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि आपको इसको तोड़ने का चक्कर नहीं पड़ता। फ्रेंड ये सिंगल, ये बेबी मशरूम है, सिंगल वाइट मशरूम, तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं ऐसे ही। मैं थोड़ा फूडी हूँ क्योंकि हाथ से खा रहा हूँ, वरना आप अपना ये फोकन स्पून वगैरह यूज कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, पता है राहुल भूख लग रही है आपको बहुत ज्यादा। रियली यार इसको तो, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया, ये एक्चुअली ना ये कोल्सलो है, एक तरह का सैलड जो इसके साथ मिला है, और शायद ये इसीलिए मिला है कि हम ये जो अचारी मशरूम्स हैं इसके साथ थोड़ा सा यूज करें और सब फ्लेवर को एनहांस करके फिर हम खा सकें। ओके, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। आज तो बड़ा मैस होने वाला है। तो रियल में टेस्टी है। ये जो कॉल फ्लो है इसमें जो है, इस चाइनीज प्लेटर में हमें इसमें बनाना लीफ में इन्होंने डिशेस सर्व की हैं, जैसे कि स्प्रिंग रोल है, और ये बेसिकली एक जो है ना आपका पैन है, वुडन पैन है, वुडन पैन पे जो है ना ये इसको जो है यहाँ पे सर्व किया गया है, ये चाइनीज नूडल और साथ में मंचूरियन स्प्रिंग रोल और चिली पनीर और चाइनीज नूडल। हाँ चाइनीज नूडल है। तो अभी हम जो है ना इस चाइनीज प्लेटर को जो है ना टेस्ट करने वाले हैं, निशा फर्स्ट फुल एंजॉय करने वाले हैं। टेस्ट तो खाना ही होता है लेकिन हम इसे एंजॉय करने वाले हैं। तो मैं टेस्ट करने वाली हूँ मंचूरियन बॉल्स, और ये जो है
चाइनीज़ नूडल, ये मैं जो है ना टेस्ट कर रहा हूँ चिली पनीर के साथ। और ये देखिए काफ़ी जो है ना अभी ये कलरफुल हो गई है और थोड़ी स्पाइसी सी भी, क्योंकि मैंने अभी चिली पनीर टेस्ट किया था तो ये चिली पनीर के साथ जो है ना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और ये मंचूरियन जो है काफी थिक ग्रेवी के साथ है, तो ये है चाइनीज नूडल्स। ये जो चाइनीज सॉस वगैरह दी गई है ये सभी कॉम्बिनेशन में ट्राई कर चुका हूँ और सभी के साथ ये काफी डिलीशियस लग रही है, मजा आ रहा है खाने में। मुझे भी। और थैंक्स टू निशा, थैंक्स टू राहुल। इतना इतना अच्छा सा जो है फूड इन्होंने जो है मेन्यू जो है सेलेक्ट करके इतना अच्छा सा फूड जो है ऑर्डर किया और राहुल इसको फुल फुल एंजॉय कर रहे हैं। हे फ्रेंड्स, ये था हमारा रनवे वन का अब तक का सफर। हम लोग अपना फुल मील फुल फूड एंजॉय कर चुके हैं फूड फ्लाइट में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को हम जो अपनी वीडियोस में एफर्ट्स डालते हैं वो नजर आते हैं और अच्छे भी लगते हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और ये है फूडी निशा और ये है फूडी राहुल, जो सारा खाना चट कर जाते हैं। और साइन ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू।